आज मैं एक ऐसे नए नए बने फ्लाईओवर पर खड़ा हूँ जहाँ गड्ढों का पूरा परिवार रहता है। पीछे आपको बुजुर्ग खड्डे दिखाई देंगे, मौतबीर, मौतबीर जिनको कहते हैं। फिर आपको खड्डों के जुड़वा भाई भी मैं दिखाऊंगा, कुछ खड्डे जो अभी दो चार दिन पहले जन्मे हैं उनसे भी मिलाऊंगा, तो एक दो खड्डे शायद इस सड़क के गर्भ में होंगे जो आगे आने वाले दिनों में हम सभी के सामने हंसते खेलते किलकारियां लेते दिखाई देंगे। तो जब इस ब्रिज पर आप आएंगे तो उससे पहले आपको लगेगा कि वाह वाह की जाए, मगर जब इस पर चलेंगे तो सिर्फ ऊ आह कर पाएंगे। अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद से भीलवाड़ा जाने वाले मार्ग पर, जहाँ पर जेके सर्किल, राजसमंद जिला मुख्यालय के जेके सर्किल पर एक नया नया ब्रिज बना है और उस फ्लाईओवर की जो स्थिति है, गड्ढों के परिवार हैं, कुंबे हैं, अलग अलग हैं। वहाँ पीछे मौतबीर खड्डे हैं, ये पुराने हैं, ये मौतबीर खड्डे हैं। फिर अगर आगे आएंगे तो ये जुड़वा भाई है दोनों, ये खड्डे दोनों जुड़वा भाई, एक साथ ही इनका जन्म हुआ है। देखो शक्ल भी मिल ही रही है। और फिर अगर जैसे जैसे हम इन स्थितियों में आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पर आपको लेके आऊँगा मैं, ये गड्ढा नया नया पैदा हुआ है, ये नवांकुरित हुआ है, इसको अभी दो चार दिन हुए हैं पैदा हुए, तो अभी इसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे ये भी इस गुणवत्ता की मेहरबानी से अपने बड़े भाइयों की तरह हष्टपुष्ट हो ही जाएगा। और जो थोड़ी थोड़ी दरारें हैं ये देखिए आप, तो आपको ये समझ ही गए होंगे कि कुछ गड्ढे गर्भ में भी हैं सड़क के, तो वो भी बहुत जल्दी यहाँ खेलते इटलाते नज़र आ जाएंगे। तो ये जो मामला है, ये मामला उस एक नए नवेले ब्रिज का है, और सिर्फ यहाँ का नहीं है, इस ब्रिज पर आप कहीं से भी चढ़ेंगे। पुनः दोहरा दूं, जेके सर्किल का नया नवेला ब्रिज, जो बहुत ज़्यादा, जिसको समय हुआ नहीं है, थोड़े समय पहले ही बना है, आवागमन थोड़े समय पहले ही शुरू हुआ है, उस पर आप कहीं से भी किधर से भी चढ़ेंगे वहाँ आपको खड्डे मिलेंगे। दोनों ही तरफ सड़क के बीचों बीच आपको खड्डे मिलेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये फ्लाईओवर कोई गाँव गली कूचों में बने हुए सड़कें नहीं हैं, कोई छोटे ठेकेदारों द्वारा बनाए हुए मार्ग नहीं हैं, ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़ी बड़े टेंडर के बीच में ये टेंडर उठाती होगी, जब वो बड़े बड़े ठेकेदार मिलते होंगे तो आपस में बात करते होंगे कि भाई साहब हमने इतने ब्रिज बना लिए, हमने इतनी लंबी चौड़ी हाईवे की सड़कें बना ली, उसकी वाहवाहियाँ लूटते होंगे, मगर उनसे ज़रा ये पूछा जाए कि क्या कभी आप चौड़े होकर ये भी बोलते हो कि भाई साहब हमने अभी अभी एक ब्रिज ऐसा भी बनाया है जिस पर बहुत जल्दी खड्डे पड़ गए हैं। कभी आप वाहवाहियों में वो दौर भी देखते हो या दिखाते हो कि हमारी उन सड़कों पर खड्डों के परिवार रहते हैं, या फिर यह कि हमारे वो खड्डे इतने काम के खड्डे हैं, सड़क पर हमने ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि जब लोग गुजरते हैं तो उन खड्डों में पड़ते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि राजसमंद आ गया है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है, किसी बोर्ड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्या इन वाहवाहियों के, इन बातों के दौर भी देखे जाते हैं? और ये प्रश्न ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये खड्डे सिर्फ सड़कों में पड़े हुए खड्डे नहीं हैं, ये व्यवस्थाओं में पड़े खड्डे हैं, कि जब इतनी उम्मीदों के साथ इस प्रकार के फ्लाईओवर बनते हैं, जब दुर्घटनाओं और ये तमाम हादसे होते हैं उनसे निजात पाने के लिए लोग राहत की सांस लेते हैं, और जब इन पर भी इतने जल्दी इतने बुरे दृश्य देखने को मिल जाएं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी? फिर ये प्रश्न उन तमाम इन टेंडर लेने वालों को, टेंडर देने वालों को, इस टेंडर के दौरान निगरानी रखने वालों को क्यों ना पूछे जाए कि भाई साहब गुणवत्ताओं का क्या होगा, टेंडर में क्यों ना ये शर्त दर्ज की जाए कि ठेकेदार लिख के दे दे कि भाई साहब ऐसी सड़क बनाऊंगा कि सड़क बनने के चार महीने में आपको खड्डों का परिवार वहाँ हंसता खेलता खिलखिलाता हुआ नज़र आ जाएगा, ये शर्तें जोड़िए, और या फिर उन शर्तों का समावेश इन टेंडर की प्रक्रियाओं में करिए, इन जो निरीक्षण होता है इन प्रक्रियाओं में करिए कि सड़कें ऐसी ना बने जिन पर तीन तीन चार चार महीनों में आपको ये बदहाल स्थितियाँ देखने को मिल जाए। और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ, मैं बार बार कहता हूँ, ठेकेदार नहीं है, सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं सरकारी महकमे के वो कर्मचारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इसकी गुणवत्ता को समय समय पर सही तरीके से चेक करें, मगर क्योंकि उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं निभाया तो आज उसको आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और स्थितियां इन दिनों ये हर जगह की बन गई है, मगर यहां आकर ज्यादा आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े ठेकेदार, बड़ी बड़ी एजेंसियां बड़ी बड़ी बातें करते हुए ये टेंडर लेती है, बड़ी बड़ी बातों के साथ इन फ्लाईओवर का निर्माण होता है, बड़ी फक्र के साथ इन फ्लाईओवर को अपनी उस सूची में गिनाया जाता है, उन तक इन खड्डों का पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब आप जो फ्लाईओवर बना के गए हो, शायद आप घर भी नहीं पहुंचे होंगे, मगर पीछे स्थितियाँ बड़ी बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। अब इन स्थितियों को कब देखा जाएगा, इस सड़क के और व्यवस्थाओं के खड्डों को कब भरा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मगर मैं आज इस धरातल की यथा स्थिति आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं तो कोई जिम्मेदार सुने, कहीं तो किसी की आंखें खुले। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।